हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आज का ब्लॉग मेरा मॉर्निंग टू आफ्टरनून का ब्लॉग है, जिसमें मैं मॉर्निंग का टाइम तो बच्चों को ड्रॉप करने तक का नहीं दिखा पाऊँगी। ये टाइम है जब मैं सुबह का नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद घर की क्लीनिंग। तो थोड़ा आज रसोई को डीप क्लीन करा और घर की और रोज़ की डस्टिंग क्लीनिंग हो गई। डीप क्लीनिंग तो क्या कहें, जो भी है थोड़ा बहुत। थोड़ा रेस्ट करने के बाद मैंने बना लिया है लंच। लंच में बनाई है राजमा की दाल, हरी सब्जी और चावल। तो देखिए गाइस, इसको लेके आ गई हूँ मैं। इसको जस्ट घर पहुंचाऊंगी, फिर बड़े को लेने आऊंगी। हेलो बोल। हेलो। इधर बोल फोन पर। हेलो। मैं स्कूल से आ गया हूँ। मैं स्कूल से आ गया हूँ। थक गया? नहीं नहीं थका। भूख लग रही? आते ही खेलना शुरू हो गया। वरना नहीं होगा। यहाँ से मोड़ रहा है ना, यहाँ से मोड़ के आ जाएगा। बड़े बेटे का टाइम हो गया आने का, तो उसको लेने जा रही हूँ मैं राघव को घर। सिर्फ कपड़े बदले उसके, खाना भी कुछ नहीं खाया उसने आज। तो बस अब बड़े को लेके आती हूँ। आजकल बस ऐसे में ही रह जा रहे हैं। लॉकडाउन में हम लोगों की दिनचर्या बहुत अलग थी। दिन भर के कई छोटे मोटे काम करना, ये सब बहुत नई सारी चीज़ें सीखी हम लोगों ने। उस समय लग रहा था कि ऐसा ही होता है, लेकिन अब स्कूल खुल गए तो अब एक अलग तरह का लग रहा है। लेकिन मुझे अफसोस है इस बात का कि उस समय मैं ब्लॉगिंग शुरू नहीं कर पाई, क्योंकि वो दौर भी बहुत प्रोडक्टिव एंड प्रोग्रेसिव कह सकते हैं उसको, वो दौर था लाइफ का मेरे हिसाब से अपने लिए। तो काश मैं उस समय की विलेज लाइफ आपको दिखा पाती, क्योंकि जो छोटे मोटे गार्डनिंग है, इधर गाय बच्चियों का कैसे पाले जाते हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, उसमें काफ़ी इन्वॉल्व हो गई थी, जो कि मैं अब चाह के भी नहीं कर सकती ना, क्योंकि दो बच्चे हैं, लाना ले जाना इसमें कितना टाइम लग जाता है। खैर कोई बात नहीं, ब्लॉगिंग तो अब भी हो ही रही है, लेकिन उस समय अगर किया जाता तो उस प्रोडक्टिव वर्क को एक और नई जान मिल जाती, मेरा ऐसा मानना है। तो चलिए फिर और कुछ अच्छा प्रोडक्टिव करने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल तो बेटे को ले आती हूँ। एक और चीज़ उस समय इम्पोर्टेंट मुझे लगी कि उस समय विलेज लाइफ की वैल्यू बहुत बढ़ गई थी। इवन मैं खुद को इतना ज़्यादा लकी महसूस करने लगी, मतलब वैसे तो विलेज लाइफ है ठीक है, लेकिन कुछ ज़्यादा मुझे अच्छा लगा कि मतलब हो नहीं गया था कि सारे लोग घरों को लौट रहे हैं, घर के काम काज दोबारा से शुरू हो रहे हैं, लोगों ने गायें पालना शुरू कर दिया। तो एक ये चीज़ कॉन्फिडेंस वाली थी, हम लोग तो ऑलरेडी इधर ही रह रहे हैं और रहना हमें यहीं है, तो काफ़ी इनकरेज करने वाली चीज़ें थी ये सारी। आ गया मेरा होनहार बेटा, आ गया हीरो। हेलो तो बोल सबको। हेलो। इधर देख के बोल। हेलो। कैसे हैं आप लोग? बोल कैसे हैं आप लोग। मैं कैसा लग रहा था, बैग फूल जैसा? अच्छा, किसने कहा? दीपू दादा ने कहा जा करके? गाइज रोज यहाँ 2-2:30 बजे के बाद बारिश हो रही है। अभी आकाश घिरना शुरू हो गया है और मैं नीचे खेत में कुछ पौधों को ढकने आई हुई हूँ तेज बारिश से बचाने के लिए। इधर गौतम की अपनी ही मस्ती चल रही है, राघव होमवर्क कर रहा है।
स्कूल से आते ही पहले इसको होमवर्क की जल्दी रहती है, आज थोड़ी देर जो हो गई। देखिए गाइस, यहाँ बारिश शुरू होने लग गई है 3 बजे से, तो रोज़ रेगुलर नियम बन गया है यहाँ, हफ्ते 1.5 हफ्ते हो गए हैं रोज़ बारिश धीरे धीरे होके, क्या कहें। तो गाइज लगभग 3 बजे हजमेंड मेरे घर पहुंचते हैं, अभी वो नहीं पहुंच पाए थे, बारिश इतनी तेज़ हो गई है तो अब वो बाजार ही फंस गए हैं, तो अब मुझे छतरी लेके जाऊंगी मैं उन्हें देने के लिए। ये बहुत ही तेज़ बारिश है और पता नहीं है कि कितनी देर तक चलेगी, इसलिए मैंने सोचा कि छतरी दे ही आऊँ। तो आपको भी यहाँ की बारिश का नज़ारा दिखाती हूँ मैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ और यहाँ पे झमाझम जबरदस्त बारिश हो रही है और कुछ ऐसा काम मेरे को आ गया कि मुझे बारिश में निकलना पड़ा, तो मैंने सोचा ब्लॉग भी बना लेते हैं साथ के साथ। तो देखिए यहाँ इतनी बारिश हो रही है पिछले 1.5 हफ्ते से, और शाम के टाइम तो रोज़ ही नियम बन गया है, तो हम लोग तो बेहाल हो गए हैं बारिश से। ये देखिए इतनी तेज बारिश हो रही है, वो भी तिरछी बूंदों वाली, अंदर ही पानी आ रहा है। देखिए गाइस, यहाँ के गधेरे पानी से बिल्कुल भर गए हैं, इतना पानी इनमें भर गया है। सिर्फ 15 मिनट हुए होंगे बारिश को इतनी तेज हुए, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा पानी हो गया है, तो पता नहीं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। देखिए अब जो रूढ़ पड़ती थी ना गर्मी के दिनों, जेठ के महीने की रूढ़ कहते थे, अब वो रूढ़ यहाँ पहाड़ों में कभी पड़ती ही नहीं है। मैंने तो पिछले 10 साल से करीब रूढ़ देखी नहीं है। लास्ट टाइम मैंने रूढ़ देखी थी जब हमारा गौतम होने वाला था 2012 में, उसके होने के साल रूढ़ पड़ी थी। उसके बाद से तो हर साल बारिश ही होती है, मतलब गर्मी आई नहीं कभी, हर साल बारिश ही होती है गर्मी के मौसम में। चौमास आ गयो रे, अरे फिर दौड़ने लग गया, रुक जा, फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।